हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और आज है नाग पंचमी और शुभम ने दोनों हाथ में लगाए मेहंदी। दिखाओ शुभम दोनों हाथ। ये देखिए, शुभम ने दोनों हाथ में मेहंदी लगाए हुए हैं। ये कुक्कू भी लगा के रखी है मेहंदी और हमने भी लगा के रखी है मेहंदी। ये देखिए, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ और नहाने के बाद मुझे जाना है लैया दूध चढ़ाने के लिए। जा रहे हैं अभी हम नहाने, नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम नहा चुके हैं और ये टी शर्ट भी पहन ली हमने। अब जा रहे हैं चढ़ाने। ये है चना, हम डाल दिए इसमें और ये लैया है, जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। तो गाइस देख सकते हो कितनी मुश्किल से जाना पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग गए इस रास्ते से। अबे यार बाबू, हाँ यहाँ जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पहले से लोग आके चढ़ाए हैं। जय हो नाग देवता। तो गाइस हमने लैया चना यहाँ पे चढ़ा दिया ना। अभी चलते हैं पास ही में, काली माता का मंदिर है। यहाँ पे भैरव बाबा बैठे हैं और हमने ये चढ़ा दी। सावन में हमारे घर में झूला पड़ा हुआ है और शुभम झूल रहे हैं। शुभम झूला झूल रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं। शाम के बज चुके हैं 5:30 और हम जा रहे हैं अपने गांव के पोखरे पर। जैसा कि आपको मालूम है, आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी में शाम को लोग जाते हैं अपने गांव के बाहर, छोटी छोटी डॉल बना के ले जाते हैं। तो गाइस मैं अभी अपने गांव के पोखरे पे आ गया हूं और देखिए ये मेरे हाथ में क्या है, ये फूल है। आप इसे पहचान कर बताओ। मुझे घर से आने में लेट हो गया इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आ ही गया हूँ तो कुछ चीज़ें तो दिखाना ही पड़ेगा, अभी तो बोल दिया। अब वो रियल चीज़ में थी तो उसको नहीं दिखा पाए, बट जो है उसको दिखा दे रहे हैं और उसको दिखाने पर आप लोग देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा आप लोग का। तो आप देख, छोटी छोटी सी जो डॉल देख रहे हैं ये वाली, ऐसे बनाया जाता है गांव में और आज ही के दिन ये चीज़ होती है। देखिए बहुत सारी हैं इधर, और सारी तो पानी में फेंक दी गई। ये बहता पानी नहीं, पोखरे का पानी है, ये किनारे जाके जम जाता है, फिर जब खुदाई होती है तो निकल जाता है। देखिए अभी छोटी छोटी डॉल दिखा दे रहे हैं ऐसा, इसमें कुछ रख के, मिट्टी वगैरह रख के यहाँ से गांठ बांध दिया गया है और इसको ला के यहाँ पे रख दिया जाता है। और लड़के लोग इसको डंडे से मारते हैं, ये एक हमारे यहाँ का प्रथा है। और इसके बारे में डिटेल बात करने के लिए हम घर पे चलते हैं। तो अभी चलते हैं घर। काले काले बादल इधर भी, हाँ